नंदिनी, घर में खेलने के बदले तुम हम लोग साथ क्यों आई हो? आज के बाद के सारे खेल तुम्हारे साथ ही खेलूंगी। बहुत होशियार हो, सब सवाल के जवाब तुम्हारे पास रहते हैं। क्या हुआ बेटी? मुझे 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 इनके डर लग रहा है। रंजीत, तुम्हारी भयानक शक्ल देख के डर गई मेरी बिटिया। चलो तुम आगे आके बैठ जाओ। चलो। हाँ आ रहा हूँ। नंदिनी, तुम मेरे बाजू में बैठी हो, तो एक पप्पी दे दो। दे दूंगी, पक्का दे दूंगी, पर अभी नहीं। सबसे पहले ये रंजीत चाचा को दूंगी। उसके बाद तुम्हें। और बाद में इनको। रमेश, स्पीड बढ़ाओ, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो देर हो जाएगी। सुनिए, सेठ जी घर पे हैं। मतलब आप लोग को पता नहीं है कि सेठ जी मर गए हैं? क्या, सेठ जी मर गए? ये कैसे हो गया? सवेरे बगीचा में घूमने गए थे, वहीं सांप के डसने से मर गए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो कोई भी मड़ी खरीदना चाहता है वो अचानक मर जाता है। तुम हंस क्यों रही हो? लालच बुरी बला, जिसे नुकसान ही होता है, ऐसे हमारे टीचर कहते हैं। हमारी शादी हो गई, अब हम एक हैं। ये नाग देवता की इच्छा से ही हुआ है। हम दोनों के दिल में जो इच्छा था वो पूरा हुआ। हम लोग की पहली रात है ना, इसलिए मैंने ब्राउनी को काम सौंपा था, वो वही कर रहा है। ब्राउनी, हम दोनों एक महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। अब तुम जाओ यहाँ से, दोस्त जाओ यहाँ से। श्रुति, तुम नाक को पकड़कर खूब बड़बड़ा रही थी और तुमने सवाल पूछ के मुझे हरा भी दिया था। अब तुम चुप क्यों बैठी हो? क्या हुआ है तुम्हें? आज मैं तुम्हें एक काम दूंगा, बोलो करोगी? चलेगा, पर शर्त क्या होगी? जो मैं करूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। इतना ही? इसमें क्या, तुम जो करोगे वो मैं कर दूंगी। तुम गाना गाओगे वही मैं गाऊंगी। और तुम अगर नाचोगे तो मैं भी नाचूंगी। अच्छा, ऐसा करो। आज तुम हार गई और मैं जीत जाऊंगा, और मैं जो भी करूंगा तुम्हें रोकना नहीं होगा। आ जाओ। बेटा, हाँ? तुम अकेले बैठ के क्या सोच रही हो? मैं एक योजना बना रही हूँ, उसे कैसे पूरा करना है उसके बारे में सोच रही हूँ। कैसी योजना? एक खेल खेलना है, पर खेलने के लिए कोई नहीं। अरे अपना राजा है ना, तुम उसके साथ खेलो। आजकल राजा बहुत गड़बड़ करता है, इसलिए मैंने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। मेरे साथ खेलो, चलो। मुझे आपके साथ खेलने के लिए बहुत मजा आएगा। तो कहो हम कौन सा खेल खेलें? आंख मिचोली। ओके, बोलो, पहले तुम्हारी आंखें बंद करूं या मेरे? अगर आप आंख पे पट्टी बांधोगे ना, तभी मैं अपने मन से खेल सकूंगी। चलिए आंख पर पट्टी बांधिए।
तुम तैयार तो हो ना? मैं तैयार हूँ। रेडी हो तो फिर चलो। रेडी? नंदनी तुम कहीं भी रहोगी ना, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? डैडी मुझे ऐसे डर लग रहा है, इसे दूर करो। अरे गरुड़ जी का फोटो है, उसमें क्या डर? नहीं, उससे दूर करो। मुझे जरा भी पसंद नहीं। आई हेट इट गाइस, आई हेट इट गाइस। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लड़की हूँ, पर तुम ही एक ऐसे हो जिसे पता है कि मैं एक नागिन हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें शाबाशी दी। एक बात मैं साफ साफ कहती हूँ कि मैं राम का नहीं बल्कि रावण का वध करना चाहती हूँ। राजा तुम हनुमान के वंशज हो, तुम हमेशा धर्म की प्रगति के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए पैदा होते हो, अन्याय का प्रतिकार किया है। बीते दिनों को याद करके दिल से बताना, अगर मैं बदला लेने चाहती हूँ तो क्या वो गुनाह है? तो क्या मेरा मनुष्य नहीं में जन्म लेना गुनाह है? एक जीव के सामने दूसरा जीव है, जिसने हत्या की उसे मृत्यु की सजा होनी ही चाहिए। मेरे धैर्य से मुझे दूर ले जाके तुम रोकने की क्यों कोशिश करती हो? ये देखो मैं एक नाग शक्ति हूँ तो तुम देव शक्ति हो। बाजू में रख के या तुमसे ऊपर उठ के हमें किसी भी बात का फल नहीं मिलेगा। जब तुम रावण की कैद से सीता का उद्धार करने के लिए मदद कर रहे थे और मुझे वो दुष्ट लोगों के चिंगुल से मनी मिलने के खातिर तो भी मदद करो। इस धर्म युद्ध में जीतने के लिए हमें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। बजरंग बली हम पर कृपा दृष्टि करे। इस मणि को बेचने के बाद मैं विदेश जाके सेटल हो जाऊंगा, कैसे भी इस मणि को बेचना ही होगा। मुझे तो रमेश पर शक है। रमेश पे? ये मनी बेचने में वही एक तकलीफ है। उस सेठ का रमेश ने ही तो खून नहीं किया ना। तुम चाहे जो भी बोलो, लेकिन मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। अरे हम ऐसा कोई प्लान करेंगे कि वो मनी हमारे हाथ में लग गया समझो। लक्ष्मी, लक्ष्मी, हेलो। बिना कारण तुम्हें अपने पत्नी को खोजने की जरूरत नहीं है। ये मेरे कब्जे में है। अरे दोस्त क्या कह रहे हो तुम? दोस्त वोस्त भूल जाओ। अगर तुम्हें अपनी बीबी जिंदा चाहिए तो मैं जो बोलूँगा वही तुम्हें करना होगा। मैंने कामिनी को तुम्हारे पास भेजा है, वो मणि तुम कामिनी को दे दो। देखो रंजीत, मणि हम सबका है। बकवास बंद करो, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। रंजीत, रंजीत। आ, 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 आ,
अब तुमको कौन बचाएगा? बहुत कीजिए। भगवान के सामने खड़े होके कहो, मुझे बताओ तुम कौन हो? नंदिनी। तुम्हारा ये शरीर नंदिनी का है और तुम्हारे अंदर नाग शक्ति है। तुम्हें तो उस मंदिर में रहना चाहिए था, फिर तुम हमारे बेटी के शरीर में प्रवेश किया है। क्यों क्यों किया ऐसे? कारण जानना चाहते हो तो सुनो। मेरे सर में जो मंगनी था वो तुम्हारे पति ने चुरा लिया, इसीलिए। एक को तो मैंने यमलोक से धार दिया और दो जन बाकी है, मर जाएंगे। हे भगवान। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम उसके चंगुल से कैसे बच गई? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वो सब जाने दो, रंजित कुछ मनी की बात कर रहा था। पहले मुझे बताओ मनी कहाँ है? लक्ष्मी वो हमारा पर्सनल बात है, इसलिए सब पूछो मत। तुम एक बात बताओ, रंजित के चंगुल से तुम्हें छुड़ाया किसने? नाग शक्ति ने, जिसकी मैं उपासना करती रही। काटा लगता है तो तुरंत पानी आँख में आता है, और जब तुम हमारे पति की हत्या कर दोगी तब मुझे कितनी तकलीफ होगी। जब मेरा इसमें कोई दोष नहीं तो मुझे सजा क्यों? ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारे नसीब की डोरी पलवान है, पर तुम्हारे मंगलसूत्र की डोरी बहुत ही कमजोर है। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब तुम्हारा इरादा पक्का है कि तुम हमारे पति की हत्या करेगी, ये सच है ना? पर मैं श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करती हूँ, तो मुझे एक वचन दो। बताओ, अपनी इच्छा बताओ, मैं वो पूरा करूँगी। पर वो वचन तुम पूरा करोगी ना? हमारी जान के टुकड़े भी हो जाए तो भी हमारी वाणी एक ही रहेगी। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? हर सुहागन की इच्छा रहती है कि वो एक सुहागन की मौत मरे, यही मांग रही हूँ मैं। ये तुमने क्या मांगा?
जब तक मेरे गले में ये मंगलसूत्र है तब तक तू हमारे पति को मौत नहीं दोगी, ये वचन दो हमें। अच्छा, सती सावित्री के जैसे हमें झांसे में ले लिया। ठीक है फिर, जब तक ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में रहेगा तब तक मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगी। दिया वचन। बहुत अच्छा, उपकार, बहुत उपकार, इतना काफी है। रुक जाओ, मैंने तो तुम्हें वचन दे दिया, अब तुम भी हमें एक वचन दे दो। वचन? कैसा वचन दूँ? कुछ भी हो जाए, मैं कौन हूँ इस बारे में तुम तुम्हारे पति को कभी नहीं कहोगी। वचन दो। ठीक है फिर, हम हमारे पति को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये मेरा वचन है। नंदनी, अरे ये बाजा हमने तुम्हारे लिए तो नहीं लिया था, तो तुम्हें मिला कहाँ से? मुझे चाहिए था इसलिए खरीद लिया। हाँ, पहले हम भी खूब बजाते थे, हमेशा अपने जेब में रखा करते थे। अच्छा? हाँ। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा बाजा बजाते हुए। तो ये बात है, लाओ मैं बजाता हूँ। नहीं नहीं, आप उसे नहीं बजाए, इस पर इसकी थूक लगी है। थूक लगा? हाँ। है जहर लगा हुआ है ऐसा बोल रही हो क्या? अरे मेरी बेटी का थूक है, लगने दो। मेरी बात सुनो, वो बाजा मत बजाओ। क्यों नहीं, कारण क्या है बताओ मुझे। क्योंकि वो, क्योंकि वो क्या? पापा पापा मामा मामा, सही बोलो ना। वो देखो, वो बाजा को लक्ष्मी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे ये बाजा बजाने क्यों नहीं दे रही हो? और ये लड़की गाना गा रही है, तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। हाँ, तुम्हें अप्रैल फूल बनाने के लिए नंदिनी ने इस बाजे को नीम का तेल लगाया है। एक बार बेटी अपने बाप से मस्ती कर सकती है, पर पत्नी अपने पति की मस्ती कर सकती है क्या? बेटी, जब तक तुम्हारी माँ अपनी कमल कुंड से हमारी रक्षा कर रही है तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लो रखो। ओके। नंदिनी के शरीर में नाग शक्ति है, किसी भी वक्त उसकी तरफ से मुझे धोखा हो सकता है। अब क्या करूं, क्या करूं? कैसे भी करके ओ रमेश के पास से मनी निकालना ही पड़ेगा और ये देश छोड़ना होगा। हेलो रमेश, मैं कामिनी बोल रही हूँ। रोकड़ा पैसा देके मनी लेने के लिए पार्टी तैयार है, तुम तैयार रहना, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ, फिर हम दोनों मिलकर उसके पास जाएंगे। ठीक है, बाय। कामिनी। हाँ? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? पार्टी कहाँ है? पार्टी? तुम्हें क्या लगा तुम्हें यहाँ पार्टी से मिलाने बुलाई हूँ? चुपचाप हो
मनी मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। हम हमारी जान से भी ज्यादा इसे रक्षा करके रखा है, हमारी जान भी चली जाए तब भी मैं ये मणि तुम्हें नहीं दूंगा। अच्छा, मनी तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो वो क्या है? देखो, बचाओ, मुझे बचाओ। लक्ष्मी, बोलो तुमको वो चाहिए कि नहीं चाहिए? रुको रुको, मैं तुम्हें मणि देता हूँ। जल्दी लाओ। Thank you.
गले में रहेगा तब तक मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगी। दिया वचन। आज तक मैंने तुम्हें दिया हुआ वचन निभाया, पर मंगलसूत्र तुम्हारे गले में नहीं है पर हमारे हाथ में है। आज मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे सामने ही मार दूंगी। नंदिनी नंदिनी ऐसे मत करो, हमारे पति को हमसे दूर मत करना। नंदिनी छोड़ दो, छोड़ दो नंदी, नंदिनी 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 हमारे पति को मत मारो। देवता मुझे क्षमा कर दीजिए। नाग देवता हम अपना कर्जा चुकाने के लिए बहुत कुछ गलत कर बैठे, मुझे मेरी गलती की शिक्षा मिल गई है, उस गुनाह के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पे दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम तुम्हें तुम्हारा मणि लौटा देते हैं, कृपा करके हमारे पति को जीवदान दे दो, हम सबको आशीर्वाद दे दो। नाग देवता ये लीजिए आप अपनी मणि। बेटा नंदिनी